दोस्तों आज की वीडियो में हम भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे। इस एक्सप्रेसवे का स्टार्ट पॉइंट दिल्ली का महारानी बाग है, वहीं एंड पॉइंट महाराष्ट्र का नवी मुंबई। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 1350 किलोमीटर और इतनी लंबी दूरी को तय करते हुए ये भारत के 6 राज्यों से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। 8 लेन वाले इस एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला है 60 किलोमीटर लंबा डीएनडी फरीदाबाद के एमपी सेक्शन, दूसरा है 845 किलोमीटर लंबा सोहना टू वडोदरा सेक्शन, तीसरा है 356 किलोमीटर लंबा वडोदरा टू विरार वाला सेक्शन और लास्ट है 91 किलोमीटर लंबा विरार टू जेएनपीटी सेक्शन। दिल्ली को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे की लागत 1,00,000 करोड़ है। पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, दिल्ली से दौसा 2 घंटे में और जयपुर से मुंबई का सफर सिर्फ 10 घंटे में पूरा हो सकेगा।